हेलो डियर स्टूडेंट्स, कई वीडियो बनाने के बाद लकार, वचन, पुरुष, बालक, शब्दरूप, लता, शब्दरूप आदि पढ़ने के बाद फाइनली आज हम अनुवाद सीखने वाले हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक हमारा है अनुवाद। अनुवाद कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन से टॉपिक का, कौन से कारक, कौन से लकार का अनुवाद किस प्रकार से बनाया जाता है। और एक बात आपको बता दूँ कि अनुवाद का टॉपिक बहुत लंबा होने वाला है, बहुत लंबा है, तो मैं इसका पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो बनाकर दूंगा। पार्ट वन, ये आज सीरीज इसका पार्ट वन बनने वाला है। आगे आने वाले दिनों में आपको पार्ट बाय पार्ट सबका जो है वीडियो मिल जाएगा। कैसे विभक्ति का प्रयोग करते हैं, कैसे लकार का प्रयोग करते हैं, कैसे क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं, प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, सबका वीडियो में आपको पार्ट बाय पार्ट बनाकर दूंगा। तो इसका प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, देखिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं अनुवाद। अनुवाद बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनुवाद में कौन कौन से सूत्रों का, किस किस चीज का जरूरत पड़ने वाला है। तो यहाँ पे मैंने दो सूत्र लिखा है। पहला तो लट्लकार का सूत्र है। लट्लकार यानी कि वर्तमान का होता है। कई बार मैंने बताया है आपको, आसान सा फॉर्मूला है, तीतः अंति सीथा था आमी आवा आमा। इसका मैंने धातु रूप भी बनाया है, अलग से मैंने इसका वीडियो बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो फिर आई बटन में मिल जाएगा। ये है हमारा सर्वनाम सूत्र, सह तो ते त्वम युवाम युयम अहम अवाम वय। इसका हिंदी अर्थ मैंने लिख दिया है, सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग, तो मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, युयम मतलब तुम लोग, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, वय मतलब हम लोग। इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है अनुवाद बनाने में। ये बेसिक ट्रिक है, अगर आपको ये दोनों पता नहीं होगा तो आप अनुवाद जो है नहीं बना पाएंगे, अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अनुवाद बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझाते हैं थोड़ा सा, ताकि हम इसको बना सके। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर सह मतलब वह है, काम करने वाला कर्ता जो है वो अगर वह है, यहाँ पर हम वचन और पुरुष मिलाते हैं। अगर एक वचन प्रथम पुरुष का होता है तो इसी प्रकार से हम फॉर्मूला लगाते हैं, एक वचन प्रथम पुरुष का, ती है तो हम ती लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, अनुवाद बनाने पर आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं उत्तम पुरुष द्विवचन की, उत्तम पुरुष द्विवचन कहाँ पे है, ये है, तो ऐसा ही हम यहाँ पे ये भी तो लगाएंगे, उत्तम पुरुष द्विवचन का ये। इस प्रकार से सेम सेम चलता है, वचन और पुरुष जो है एक जैसे होते हैं। अगर उत्तम पुरुष का लगाना है तो उत्तम पुरुष में लगाएंगे, द्विवचन का लगाना है तो द्विवचन लगाएंगे, ऐसे इस प्रकार से उपयोग किया जाता है। आइए हम इसका इस्तेमाल कर देख लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। पहला हमारा अनुवाद है राम जाता है, तो राम का संस्कृत क्या होगा, राम कहा जाता है राम। जाता है, जाना है क्या होता है, जाना का होता है गच। देखिए कितना सिंपल है, हिंदी और संस्कृत लगभग सेम होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसे हमें समझ लेना है और हम संस्कृत की ज्ञाता हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान मैंने दिया है, राम जाता है तो राम गच, गच मतलब जाना होता है। ऐसे कौन सा फॉर्मूला लगेगा ताकि ये सेंटेंस पूरा हो जाए, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हुआ है, तो मैं आपको सूत्र से समझाता हूँ क्या क्या होगा। देखिए, राम जो है कितना संख्या का बोध करवा रहा है, कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, राम एक ही व्यक्ति है, तो यह एक वचन में आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, एक वचन में आ जाएगा, क्योंकि राम एक व्यक्ति है तो एक वचन में आएंगे। अब एक वचन में हमारे पास तीन सूत्र है, ती भी है, सी भी है और आमी भी है। अब हमें इसमें तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब हम जानेंगे कि राम जो है एक वचन का है, एक वचन का है, साथ में हम ये जानेंगे कौन सा पुरुष का है, कौन से पुरुष का है, तो यह प्रथम पुरुष में आता है। अगर आप पुरुष का वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा, प्रथम पुरुष में उन्हें रखा जाता है जिनके बारे में कहा जाता है, और जैसे कि राम, श्याम, मदन, वह, तुम, वह, वे दोनों इत्यादि, तो ये जो है प्रथम पुरुष का सेंटेंस होता है, प्रथम पुरुष में आता है। तो एक वचन प्रथम पुरुष का सूत्र लगाएंगे तो एक वचन प्रथम पुरुष में क्या होता है, एक वचन प्रथम पुरुष में होता है ती, ये होता है एक वचन प्रथम पुरुष में होता है ती, तो गच के अंत में लगा देंगे हम ती, बन जाएगा गच्ती, और ये सेंटेंस पूरा हो गया, राम राम गच्ती, मतलब कि राम जाता है। तो इस प्रकार से हम संस्कृत करते हैं। एक दो और हम बनाएंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लट लकार का वीडियो पहले देख चुके हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर आप नया है तो आप समझ लीजिए। इसके बाद आप लट लकार का, वचन का, पुरुष का, जितना बेसिक टॉपिक है आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको 100% समझ में आएगा, कुछ भी माथा के ऊपर से न जाए, ठीक है। तो देखिए, दूसरा हमारा है तुम दौड़ते,
तो तुम का संस्कृत क्या होता है? तुम का संस्कृत होता है त्वम। हाँ जी हाँ, त्वम। देखिए मैंने हम लिखा है त्वम मतलब तुम होता है। सर्वनाम सुधरों मैंने हिंदी भी लिख दिया है, त्वम मतलब तुम। अब हम जानेंगे कि त्वम जो है कौन से वचन कौन सा पुरुष का है। तो ये मध्यम पुरुष का सेंटेंस है और एक वचन का है। देखिए मध्यम पुरुष और एक वचन का है, ये हमें याद रखना है, ये हमारे काम की चीज है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तुम का मीनिंग, त्वम मतलब होता है तुम, तो त्वम लिखेंगे। तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे त्वम लिखा है तो यहाँ पे बिंदु दिया है, यह हलंत मा का काम करता है, हलंत मा यहाँ पे मैंने दिया है ताकि आपको दोनों तरफ से समझ में आ जाए। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो त्वम दौड़ता है, दौड़ते हो, तुम दौड़ते हो, दौड़ना का होता है संस्कृत धाव, इस प्रकार से होता है धाव। हम धाव में कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो मैंने अभी आपको बताया मध्यम पुरुष एक वचन में आता है त्वम, तो इस प्रकार से मध्यम पुरुष एक वचन में लगाएंगे। मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा सूत्र है? सी है, तो धाव में लगा देंगे सी, हो जाएगा धाव सी। और इस प्रकार से ये सेंटेंस पूरा बनकर तैयार है, त्वम धाव सी मतलब तुम दौड़ते हो। कितना आसान और इजी कॉन्सेप्ट है संस्कृत का, अगर आप एक बार सही से समझ लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस आपको बशर्ते ये दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सेंटेंस है हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जरूरत पड़ेगा कि हम लोग का संस्कृत क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है वयम मतलब हम लोग, वयम मतलब हम लोग यहाँ पे। अब हम जानेंगे इसका कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। उत्तम पुरुष का सेंटेंस ये, उत्तम पुरुष का शब्द है और बहुवचन का है। देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन आता है क्या, वयम मतलब हम लोग। तो हम लोग का संस्कृत लिखते हैं वयम, तो यहाँ पर लिखते हैं वयम, वयम मतलब कि हम लोग लिखते हैं। लिखना का संस्कृत होता है लिख, लियो खा लिख, इस प्रकार से लिख। अब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो मैंने अभी आपको बताया उत्तम पुरुष बहुवचन का सूत्र, यहाँ पर लगाएंगे हम उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या लिखा हुआ है, आमह लिखा हुआ है। देखिए इसके सामने आमह आता है, तो सूत्र कौन सा लगेगा, आमह। तो लिख में हम लगा देंगे आमह, तो हो जाएगा लिखाम, इस प्रकार से ये बनकर तैयार है, सेंटेंस पूरा हो गया। वयम लिखाम मतलब कि हम लोग लिखते हैं। इसी प्रकार से चौथा नंबर हमारा है सीता लिखती है, तो सीता का संस्कृत सीता ही होता है, कुछ करने की जरूरत है नहीं। मैंने कई बार बताया है, वीडियो में बताया है कि लड़की का नाम अगर है संस्कृत करने के लिए आंख मुनिए, आंख बंद कीजिए और खोल लीजिए, संस्कृत हो गया। संस्कृत कहने का मतलब यह है कि इसे कुछ करने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी संस्कृत ही होता है। अब लिखती है, सॉरी खेलती है, सीता खेलती है, तो खेलना का संस्कृत होता है क्रीड, क्रीड ऐसे सीता खेलती है, सीता क्रीड। अब कौन सा सूत्र लगेगा, तो सीता देखिए सीता जो है राम की तरह ही यह भी नाम है, एक ही सीता है, तो एक वचन में आता है। और एक वचन में तीन सूत्र हैं, तो हमें कौन सा लगाना है, तो ये प्रथम पुरुष में आता है। किसी का भी नाम हो, लड़का का, लड़की का, या फिर किसी और चीज का नाम हो, वो प्रथम पुरुष में ही आता है। तो एक वचन प्रथम पुरुष में क्या सूत्र है, ती है, तो क्रीड में लगा देंगे ती, तो हो जाएगा क्रीडती, मतलब कि सीता क्रीडती, मतलब कि क्या हो गया, सीता खेलती है, बनकर तैयार है संस्कृत। इसी प्रकार से पांचवा सेंटेंस है लड़की घूमते हैं, तो देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा, लड़के हैं, कितने लड़के का बोध हो रहा है, बहुत सारे, बहुवचन का है, लड़के मतलब कि बहुत सारे लड़के, तो लड़के का संस्कृत हो जाएगा बालकः, बालकः ऐसे, बालकः। अगर हम ऐसे लिखते हैं, बालकः, तो यह एक वचन है। अगर हम इसमें एक लाइनिंग लगाते हैं, आ की मात्रा जोड़कर विसर्ग लगाते हैं, तो यह बहुवचन हो जाता है, बालकः बालको बालकः, सॉरी बालकः बालको बालकः। अगर आपने बालक शब्द रूप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा यहाँ, या फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया है बालकः मतलब बालके, लड़के होता है बहुत सारा संख्या में, तो बालकः। घूमना, घूमते हैं, घूमना का संस्कृत होता है भ्रम, भ्रम मतलब घूमना। हमें जानना है कौन सा सूत्र लगेगा, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह बहुवचन है, बहुत सारी संख्याओं का बोध हो रहा है, तो सूत्र भी बहुवचन का ही लगेगा, तो बहुवचन यहाँ पे। बहुवचन में तीन सूत्र है, अंति, थ और आम, कौन सा लगेगा? तो देखिए बालकः भी कौन से, ये भी है प्रथम पुरुष का ही सेंटेंस, मैंने अभी आपको बताया कि किसी का नाम हो, लड़का का, लड़की का, या फिर किसी और का, तो वो प्रथम पुरुष में ही आता है, तो ये भी प्रथम पुरुष में ही आएगा। और बहुवचन, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या लिखा हुआ है, अंति लिखा हुआ है, क्या है, अंति। यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लिखा है, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, लेकिन लगता प्रयोग किया जाता है तो सिर्फ न और ति, तो अंति पढ़ते हैं।
तो अंति जो है प्रथम पुरुष बहुवचन में आता है, यदि प्रथम पुरुष बहुवचन का सेंटेंस है तो भ्रम के लास्ट में लगा देंगे अंति और हो जाएगा भ्रमंति। इस प्रकार से बालकः भ्रमंति मतलब कि लड़के घूमते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है वे खेलते हैं, वे खेलते हैं, ये भी देखिए बहुवचन का सेंटेंस है। वे मतलब कितने कितने लोग, बहुत सारे लोग। वे का हम संस्कृत होने कहाँ पे है, वे लोग, वे कहिए या वे लोग कहिए एक ही बात है, ये भी बहुवचन का है। कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष बहुवचन, हमें यहाँ पे अंडरलाइन करना है, घेर लगाना है, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो ये संस्कृत क्या होता है, वे का संस्कृत क्या होता है, ते होता है। इस प्रकार से मैंने ते लिख दिया। खेलते हैं, खेलना का संस्कृत क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, देखिए यहाँ लिखा है क्रीड, तो क्रीड खेलना है, क्रीड। अब हम फिर से दिमाग लगाएंगे, वे खेलते हैं, ते क्रीड लिख दिया मैंने, वे कौन से वचन, कौन से पुरुष, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो सूत्र भी ऐसा ही लगाएंगे, प्रथम पुरुष बहुवचन क्या है, अंति है, तो हम क्रीड के लास्ट में लगा देंगे अंति और हो जाएगा क्रीडंती, ते क्रीडंती मतलब वे खेलते हैं। कितना आसान है ना, सच में बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर है तुम दोनों लिखते हो, तो तुम दोनों का संस्कृत पहले हम जानेंगे। तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है, तुम दोनों, युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों। अब हम जानेंगे कौन से पुरुष कौन से वचन का है, मध्यम पुरुष का है, द्विवचन का है, मध्यम पुरुष द्विवचन। सूत्र भी ऐसे रहा है, मध्यम पुरुष द्विवचन में था आता है, था लगाएंगे। तो पहले लिख लेते हैं युवाम का, तुम दोनों का संस्कृत होता है युवाम, तो हम लिख लेते हैं युवाम इस प्रकार से। उसके बाद खेलते हो, तो खेलना का होता है क्रीड, तो क्रीड, सॉरी लिखते हो, माफ कीजिएगा, तुम दोनों लिखते हो, तो लिखना का संस्कृत होता है लिख, तो हम लिख दिए लिख। कौन सा फोन लगाएंगे, मैंने भी आपको बताया मध्यम पुरुष द्विवचन, क्योंकि ये भी मध्यम पुरुष द्विवचन का है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या है, था है, तो हम लगा देंगे लास्ट में था। इस प्रकार से युवाम लिखता मतलब तुम दोनों लिखते हो। आगे बढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, तो लड़के का संस्कृत क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ बताया था लड़के का संस्कृत बालकः, तो यहाँ भी हो जाएगा बालकः, बालकः मतलब कि लड़के, बहुत सारे लड़के, ये बहुवचन में आता है, पढ़ते हैं, तो पढ़ना का संस्कृत होता है पढ़। इस प्रकार से हम जानेंगे बालकः कौन सा वचन कौन सा पुरुष, मैंने यहाँ बताया था प्रथम पुरुष के बहुवचन में आता है, अंति फॉर्मूला लगता है, तो यहाँ पे लगा देंगे अंति, पठंति। सेम इसी प्रकार से सेंटेंस बनेगा इसका भी, बालकः यहाँ भ्रमंति था मतलब घूम रहे थे, यहाँ पठंति होगा मतलब कि पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं दौड़ता हूँ, मैं का संस्कृत क्या होता है, देखिए मैं का संस्कृत है अहम, ये उत्तम पुरुष एकवचन का सेंटेंस है, सॉरी उत्तम पुरुष एकवचन का शब्द है अहम, तो अहम यहाँ लिख देंगे मैं का संस्कृत अहम, इस प्रकार से अहम। और दौड़ना का होता है धाव, धाव कौन सा सूत्र लेगा, उत्तम पुरुष एकवचन, तो इसी प्रकार से सूत्र में देखेंगे उत्तम पुरुष एकवचन क्या है, उत्तम पुरुष के सामने एकवचन के सामने पड़ता है आमी, तो धाव में लगा देंगे आमी और जाएगा धवामी। इस प्रकार से हम धवामी मतलब कि मैं दौड़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है हम दोनों पढ़ते हैं, सबसे पहले हम दोनों का संस्कृत जानेंगे, हम दोनों का संस्कृत क्या है, देखिए यहाँ पे आवाम है, तो लिख देंगे आवाम, आवाम, आवाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने भी आपको बताया हलंत माँ की जगह पर हम बिंदु भी दे सकते हैं आवाम। हम जानेंगे कौन सा पुरुष कौन सा वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, आवाम कौन सा है, उत्तम पुरुष द्विवचन, तो फॉर्मूला भी ऐसा ही रहेगा, उत्तम पुरुष द्विवचन क्या है, आम आव है, तो हम लगाएंगे आव, तो पहले क्या देखते हैं इसमें क्या कर रहा है, पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, तो पढ़ना पठ मतलब पढ़ना, पठ लग दिए, कौन सा फॉर्मूला, उत्तम पुरुष द्विवचन आव, तो आव लगा देंगे पठ में, आव पठाव, आवाह होता है ऐसे, आवाह होता है, तो पठावा आमी आवाह, तो आवाम पठावा मतलब कि हम दोनों पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है गोविंद घूमता है, तो गोविंद का संस्कृत क्या हो जाएगा, गोविंद ही हो जाएगा, विसर्ग लगा देंगे गोविंद बन जाएगा, गोविंद मतलब गोविंद, घूमता घूमना क्या होता है, भ्रम होता है ऐसे भ्रम। गोविंद कौन सा वचन कौन सा पुरुष आएगा, तो ये एक वचन है, गोविंद एक ही लड़का है तो एक वचन, और पुरुष प्रथम पुरुष में किसी का नाम भी आता है, किसी का नाम हो तो प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष में आएगा, तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या फॉर्मूला है, ती है, तो लास्ट में लगा देंगे ती, तो हो जाएगा भ्रम ती मतलब गोविंद घूमता है।
नेक्स्ट हमारा है वह लिखती है। देखिए यहाँ पर मैं कुछ गौर बताता हूँ, गौर से देखिएगा, खास बात है वह लिखती है। तो वह लिखती है ये लड़की स्त्रीलिंग के लिए बोध हो रहा है, तो स्त्रीलिंग के लिए अगर वह का बोध हो तो सा होता है। देखिए सा, सा मतलब वह होता है लड़का के लिए और सा मतलब वह होता है लड़की के लिए, तो सा हो जाएगा। और लिखती है तो लिख धातु लिख, और फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो सह या सह कौन से वचन पर कौन से पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, क्या फॉर्मूला है ती है, लगा देंगे लास्ट में ती। लिखती सा लिखती मतलब वह लिखती है। इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा है वे दोनों दौड़ते हैं, तो वे दोनों का संस्कृत हो जाएगा तो, वे दोनों देखिए यहाँ पे तो मतलब वे दोनों, प्रथम पुरुष द्विवचन का सेंटेंस है, शब्द है, प्रथम पुरुष द्विवचन, फॉर्मूला भी ऐसा ही लगाएंगे प्रथम पुरुष द्विवचन, आता है तह तो सूत्र है तह, लास्ट में लगाएंगे तह। दौड़ना का संस्कृत क्या होता है धाव, धाव के लास्ट में क्या लगाएंगे तह, हो जाएगा धावता, मतलब कि वे दोनों दौड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम संस्कृत में अनुवाद बनाए, बहुत ही आसान और सरल अनुवाद मैंने लिया था ताकि समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार से हम इसका अनुवाद बना चुके हैं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ और सेंटेंस जान लेते हैं, देख लेते हैं ताकि और अच्छे से हमें समझ में आ जाए। तो मैंने कुछ और सेंटेंस यहाँ पर लिखा है और साथ ही मैंने इसका संस्कृत अर्थ भी लिख दिया है ताकि बनाने अनुवाद बनाने में बिल्कुल भी कठिनाई ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, आगे लिखा है मैंने लड़के हंसते हैं, लड़के का संस्कृत है बालकः, मैंने भी बताया आपको बालकः मतलब लड़के। हंसते हैं, हंसना का संस्कृत होता है हंस, और कौन सा सूत्र लगेगा तो बालकः, देखिए बालकः मतलब लड़के, कितना बहु कौन सा वचन है बहुवचन है, बहुवचन में, और अभी बताया मैंने आपको कि किसी का नाम हो प्रथम पुरुष, तो बहुवचन प्रथम पुरुष में कौन सा सूत्र है ती, सॉरी अंति, तो हो जाएगा लास्ट में अंति, हो जाएगा हसंती, बालकः हसंती मतलब कि लड़के हंसते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोहन दौड़ता है, तो मोहन का संस्कृत होता है मोहना, मोहना दौड़ता है, दौड़ना का संस्कृत होता है धाव। अब कौन सा सूत्र लगेगा तो मोहन एक वचन है और ये किसी का नाम होता है प्रथम पुरुष में, तो ती लगेगा, देखिए मैंने यहां बताया है ती धावती, मोहना धावती मतलब मोहन दौड़ता है। मैं खेलता हूं, तो मैं का संस्कृत क्या होता है अहम होता है, उत्तम पुरुष एक वचन मैं, तो अहम, खेलना का क्रीड संस्कृत होता है क्रीड, कौन सा सूत्र लगेगा उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन आमी, तो लगा देंगे क्रीडामी मतलब मैं खेलता हूँ। तुम लोग कूदते हो, तुम लोग का संस्कृत क्या होगा, तुम लोग का संस्कृत हो जाएगा यूयम, यूयम मतलब तुम लोग, कौन सा वचन कौन सा पुरुष, मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन में फॉर्मूला है था, तो हम लगा देंगे था। तो कूदता क्या होता है कूर्द, कूर्द मतलब कूर्दना, और हम फॉर्मूला लगाएंगे था, तो कूर्द था, कूर्दथा मतलब कि कूदते हो, सॉरी ये विसर्ग नहीं होगा, कूर्दथा मतलब कि कूदते हो, यूयम यूयम कूर्दथा मतलब तुम लोग कूदते हो। तुम लिखवाते हो, तो तुम का संस्कृत क्या होता है, देखिए तुम का संस्कृत होता है त्वम, त्वम लिखवाना का क्या होता है, लिखवाना का होता है लेख्य, लेख्य मतलब होता है लिखवाना, लिखति लिखता है इसका रूप चलता है, तो लिखेंगे लेख या देखिए, और इसका हम कौन सा सूत्र लगाएंगे तो देखिए लिखवाना तुम, तुम कौन से में आता है यहाँ, तुम मध्यम पुरुष एकवचन त्वम, मध्यम पुरुष एकवचन त्वम, मध्यम पुरुष एकवचन में कौन सा सूत्र लगता है सी, लेख या सी मतलब तुम लिखवाते हो, बनकर तैयार है त्वम, त्वम लेख लेख है सी मतलब तुम लिखवाते हो। सिंह रचता है, सिंह मतलब सिंह होता है वो, तो सिंह का क्या संस्कृत होगा, सिंह संस्कृत में है, करने की कुछ जरूरत है नहीं, सिंह मतलब कि सिंह गरजता है, तो सिंह कौन सा वचन है, एक एक सिंह है तो एक वचन की बात है, और सिंह जो है कौन से पुरुष में आएगा प्रथम पुरुष में आएगा, तो फॉर्मूला क्या है एक वचन प्रथम पुरुष ती, तो गर्ज गरजना का होता है गर्ज, तो गर्जती गर्जता गर्जंती, गर्जती गर्जती इसलिए होगा क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन में ती लगता है, तो ती गर्जती। हम लोग खाते हैं, तो हम लोग का संस्कृत क्या होता है, हम लोग का संस्कृत वयम होता है, उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम,
वयम। उत्तम पुरुष बहुवचन में सूत्र क्या है उत्तम पुरुष बहुवचन में? आमह। तो खाना का संस्कृत है खाद, खाद खाद में लगाएंगे आमह, खादामह। देखिए उत्तम पुरुष एकवचन वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन आमह, तो है खादामह। नेक्स्ट है सीता खिलाती है। ओह यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा तुम दोनों कूदते हो, तो तुम दोनों का संस्कृत क्या होगा? तुम दोनों का देखिए तुम दोनों युवाम, तो लिखेंगे हम यहाँ पे युवाम, मतलब तुम दोनों कूदते हो। कूदना का कूद होता है कूर्द, और कौन सा सूत्र लगेगा? तो युवाम है, देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन में आता है युवाम, मध्यम पुरुष द्विवचन लगाएंगे फॉर्मूला था, तो कूर्द था। देखिए यहाँ पे था ये बहुवचन का था तो कूर्धत हुआ था, यहाँ कूर्धा हुआ। इसी प्रकार से नेक्स्ट है सीता खिलाती है, तो सीता का संस्कृत क्या होगा? सीता ही हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत है नहीं, सीता खिलाती है। खिलाना का संस्कृत क्या होता है? तो खिलाना होता है खाद्य, खाद्यति खाद्यतः खाद्यंती, इसका रूप चलता है। तो खाद्य और सीता जो है कौन से पुरुष कौन से वचन? एक पुरुष प्रथम, एक वचन प्रथम पुरुष सूत्र लगता है ती, लगा देंगे ती, खाद्यति मतलब की खिलाती है। नेक्स्ट हमारा है हम दोनों पिलाते हैं, तो हम दोनों का संस्कृत क्या होता है? हम दोनों का होता है आवाम, मतलब हम दोनों, तो लिखेंगे आवाम। पिलाना का होता है पायति पायतः पायंती, इसका रूप चलता है। उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम, उत्तम पुरुष द्विवचन में आता है आवाम, सूत्र भी ऐसा जाएगा उत्तम पुरुष द्विवचन का आवाह, तो पायावह मतलब कि पिलाते हो आवाम, पायावह मतलब हम दोनों पिलाते हैं। नेक्स्ट है हाथी जाता है, तो हाथी का संस्कृत होता है गजह, गजह मतलब हाथी, जाना का होता है गज, गज। कौन सा सूत्र लगेगा? एक वचन हाथी कितना है? एक है, तो एक वचन प्रथम पुरुष फॉर्मूला होता है ती, तो गजती, इस प्रकार से बनकर तैयार है। तो हमने देखा आज अनुवाद, साधारण अनुवाद मैंने लिया था, सिर्फ क्रिया का प्रयोग है, अलग अलग धातु का प्रयोग किया गया है। अगले अनुवाद में हम कुछ और ही टॉपिक देखेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो फिर ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह बढ़ा दीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट लिख दीजिए आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको संस्कृत किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इसका कुछ किसी टॉपिक पे सॉल्यूशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम है उसको आप सुलझाना चाहते हैं, तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट लिख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।